सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, उत्तरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो थ्री 22वें पृष्ठ की पहली पंक्ति पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि उनकी चेतना के साथ ऊर्ध्वारोहण करते करते द योगा ऑफ द किंग द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज नामक अध्याय में प्रकट होने वाले सूत्रों मंत्रों भावों विचारों को हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तदनुरूप साधना के द्रुपद पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें, इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ए वर्ल्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। जगत के क्रम विकास की बढ़ती रहने वाली सतत प्रक्रिया की दोहरी गति एवं दोहरा रास्ता होता है। एक नीचे धरती से ऊपर उठने वाली तीव्र अभीप्सा की पुकार अग्नि, जिसके प्रत्युत्तर में दूसरी ऊपर से नीचे अवतरित होने वाली परम दिव्य प्रभु की कृपा, जो असीम परमात्मा ऊंचाई से सतत निरीक्षण करती अवतरित होती है प्रत्युत्तर में। चेतना विकास क्रम के ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया में प्रयत्नशील प्रतिनिधि आत्मा से उदित जगत त्राण हेतु करुण क्रंदन पुकार, जिसके प्रत्युत्तर में सर्वोच्च परमात्म चेतना की ऊंचाइयों से अहेतुक करुणावश अवतरित होने वाली परमात्मा की कृपा। भागवत उदित संकल्प सिद्धि में प्रयासरत चेतना के ऊर्ध्वारोहण करके नाना रूपों में अभिव्यक्तिकरण प्रक्रिया में जब जब धरा जीवन में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है या सृजित सृष्टि के विकासोन्मुख ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया विपरीत दिशा ग्रहण कर अवनति की ओर अग्रसर होने लगती है, तब तब परिणाम स्वरूप सृष्टि के अत्यंत दयनीय कष्टप्रद स्थिति में प्रवेश पा जाने पर उदित होने वाली धरती की करुण पुकार, जो भागवत चयनित व्यक्ति को माध्यम बनाकर बलिष्ठ अभीप्सा की उग्र अग्नि का स्वरूप धारण करके ऊर्ध्व स्थित परमात्मा का स्पर्श कर देती है, तब प्रत्युत्तर में सृजित सृष्टि में भागवत संकल्प सिद्धि प्रयासरत चेतना के उद्विकास क्रम प्रक्रिया में आई बाधा को दूर करने हेतु मूल से परमात्मा से अति विशिष्ट भगवत कृपा शक्ति अवतरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तब स्वयं परमात्मा युग की सर्वश्रेष्ठ विकसित स्वरूप को धारण करके धरा के त्राण हेतु उसी प्रकार की शक्ति धारण करके नीचे धरा पर अवतरित होते हैं।
इसी प्रकार की विश्व क्रम विकास हेतु चेतना ऊर्ध्वारोहण प्रक्रिया में आई बाधा के फल स्वरूप धरती से उदित करुण क्रंदन पुकार के साथ समन्वित हुई धरती के लोकनायक राजा अश्वपति के भागीरथी तपस्या एवं करुण पुकार प्रत्युत्तर में धरती के उद्धार हेतु धरा जीवन में आई बाधा को दूर करने के लिए एक अति विशिष्ट दिव्य सृजनात्मिका शक्ति जगन माता माँ भगवती की चेतना को धारण करके मानवी जन्म लेने हेतु सावित्री को राजा अश्वपति धरती पर अवतरित करा लाया था। सर्वोच्च सत्य की देवी सावित्री ने जग की इच्छा अर्थात धरती पर व्याप्त असत अचित अज्ञान अंधकार ग्रसित काल शासित मानव जाति में व्याप्त रोग शोक संत्रास संताप जरा जीर्णता क्षीणता एवं मृत्यु की अनिवार्यता जो युगों युगों से प्रवाहित होकर जीवन को काल से मुक्ति की इच्छा ने इसे धरा के उन्नत विकसित सतोगुणी सर्वोच्च शिखर पर स्थित ऊंचे से ऊंचे विकसित मनधारी मनुष्य भी इस काल एवं अज्ञान अंधकार से मुक्त नहीं करा सकते। ऐसे अति दुरूह कार्य को संपन्न कराने हेतु स्वयं अचलायमान शाश्वत की एक से बहु बन जाने के संकल्प जागृति उपरांत उन्हीं की चेतना का एक भाग सचलायमान शाश्वत जगन माता स्वरूप तीन लोक चौदह भुवनों के रचयिता ने धरा की युगों युगों की मृत्यु से मुक्ति की चाह ने अभीप्सा ने जगत जननी शक्ति धारिणी सावित्री को शाश्वतता को नश्वर मर्त जन्म हित मजबूर बनाया। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की दिव्य चेतना जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए ताकि जब जब साधना के दुरुपथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। सी मनोभाव से कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों में संपन्न होने जा रही है।